हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, अभी अपने पर्स में रखे ये चीजें, धन की कभी नहीं होगी आपको कमी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आपके पॉकेट या पर्स में सिर्फ एक चीज रखते हैं तो आप हर दिन माला माल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना, ऐसी एक चीज है जिसे आप पर्स में रखते ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने लगेंगी, आपके सभी काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों पर्स में ऐसी चीज रखने की। वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में रखी गई चीजों हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए पर्स में कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए, जबकि इन चीजों को रखने से बचना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चीज बताने जा रहे हो जो पर्स में रखने से महालक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो पर्स में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों बिना देर के हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ खास चीजों के बारे में। दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, लक्ष्मी माता का फोटो या श्री यंत्र, जी हाँ, ये दोनों चीज धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इसमें से किसी भी एक को पर्स में रखने से धन की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों अवश्य रखें। तो दोस्तों, चावल के दाने, चावल को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पर्स में या पॉकेट में कुछ चावल के दाने रखने से धन की बरकत होती है, यानी कि रुपये पैसा जमता ही जाता है, तो दोस्तों अवश्य रखें। तो दोस्तों, रुद्राक्ष, दोस्तों रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पर्स में एक रुद्राक्ष रखने से धन की हानि नहीं होती है, तो दोस्तों ये अवश्य करें। तो दोस्तों, पीपल का पत्ता, पीपल को देवता का वृक्ष माना जाता है, इसलिए पर्स में या पॉकेट में पीपल का पत्थर रखने से दोस्तों धन की वृद्धि होती है, दिन ब दिन आपका धन बढ़ता ही जाता है, तो दोस्तों ये अवश्य रखें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पर्स में नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, फटे कटे नोट रखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए धन की हानि होती है, तो इससे अवश्य बचे। दोस्तों पुराने बिल, जी हाँ, पुराने बिल रखने से भी धन की हानि होती है, तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ें जैसे कि खराब फोटो, फटी फटी चीजें दोस्तों आदि ही, जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई वस्तु जो आपको नकारात्मक प्रभाव डालती है तो दोस्तों ये ना रखें। दोस्तों दवाइयाँ, जी हाँ दोस्तों, महिलाएं अक्सर अपने पर्स में दवाइयाँ रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दवाई को पर्स में रखने से धन की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि आपको दिन पर दिन घाटा ही होता चला जाता है, तो दोस्तों ये अवश्य बचे। दोस्तों खाली बोतलें, जी हाँ, खाली बोतलों को पर्स में रखने से भी धन की हानि ही होती है, तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पर्स में गंदे कपड़े इत्यादि ना रखें और धन की हानि होती है इससे, तो दोस्तों इससे बचना चाहिए, इसलिए पर्स को समय समय पर साफ जरूर करना चाहिए। दोस्तों पर्स को हमेशा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप पॉकेट या पर्स में ये चीज़ें रखते हैं और इसे ना रखते हैं, यानी कि दोनों का ख्याल रखते हैं, तो आपके दिन ब दिन पॉकेट में पैसे जमते ही चले जाएंगे, यानी कि धन वृद्धि होगी, और दोस्तों इससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, नौकरी में तनख्वाह बढ़ेगी, आपके सभी बिगड़े काम अवश्य बनेंगे, यानी कि महालक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नोटा गिनते गिनते आप थक जाएंगे, दोस्तों बरकत इतनी बढ़ेगी कि आप थक जाएंगे, दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखिए। दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।